केंद्र और राज्य सरकारों की कृषि नीतियों की समीक्षा व अधूरे चुनावी वायदों सहित केंद्र की फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और राज्य के न्याय योजना आदि पर चर्चा करने एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय किसान महापंचायत का हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले दुर्ग में सोमवार को मानस भवन परिसर में प्रदेश स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से किसान अपनी बात रखने चर्चा में हुए शामिल। वहीं इस बार सभी ने चर्चा में किसान महापंचायत में भीड़ जुटाने के बजाय गुणवत्ता और चर्चा किए जाने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही चर्चा करने के लिए एजेंडा भी तैयार किया है। गौरतलब है कि इस बैठक में किसान महापंचायत में केंद्र और राज्य सरकारों की कृषि नीतियों के अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, कृषि उपजों का मूल्य निर्धारण, किसान आयोग, बाजार की महंगाई का असर कम करने के लिए नया इंडेक्स बनाने, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान पेंशन योजना आदि की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भाजपा और राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा किए गए वायदों पर चर्चा होगी। इस संबंध में प्रगतिशील किसान संगठन के राजकुमार गुप्त व किसान संघ के आई के वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की तरफ से पिछले 8 साल से हर साल दशहरा और दिवाली के बीच में हम एक सालाना कार्यक्रम के रूप में पहले किसान संसद के नाम से कार्यक्रम लेते रहे, अभी किसान महापंचायत के नाम से हम कार्यक्रम लेते हैं। ये हमारा जो सालाना कार्यक्रम है, इसमें हम सरकार के नीति कार्यक्रम वगैरह के बारे में हम समीक्षा करते हैं कि कौन सा नीति कार्य, बजटी प्रावधान किसान मंडली का है बजट में, ये तमाम मुद्दों हम चर्चा करते हैं। और आने वाला 1 साल में किसान मन के हित में हमारे संगठन में कौन दिशा में कार्यक्रम लेना है, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दा हम यहाँ चर्चा करे पर पूरा प्रदेश के प्रतिनिधि हम यहाँ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैठते हैं। तो आज के कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नीति, कृषि नीति, किसान के लिए कार्यक्रम योजना आदि के हम समीक्षा कर लूँ। पिछले साल एक सरकार जो नीति बना रही है या जो रास्ता अपना रही है किसानों के साथ में, वह सरकार किसान के हित में नहीं है, इसलिए उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हमारा होगा। और आने वाले समय में हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे उसको सरकार को अवगत कराते हैं और कराएंगे, इसलिए कि जो सरकार घोषणा बहुत सारी करती है लेकिन अमल नहीं करती है, तो ये जो सरकार का जो खेल है उस पर हमारे आने वाले समय में संघर्ष क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए या सरकार अपने वादा जो किया उसको पालन कराने के क्या हमारे नीति होगा, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और सरकार के इसके ऊपर कान पकड़ेंगे। ग्रैंड सीन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।